आज ताहिर हुसैन कहाँ है, उमर खालिद कहाँ है और मनीष सिसोदिया कहाँ है? अब है ये शाहीनबाग के साथ, अब है। तब बोल रहा था शाहीनबाग के साथ खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं अब खड़ा है तू शाहीनबाग के साथ, जहां शाहीनबाग के हत्यारे और पापी जिस जेल में बंद है वहीं पर ये दिल्ली का धोखेबाज डिप्टी सीएम एक्स ये उस जेल के अंदर बंद है। लेकिन इसके जब दिल्ली बंद की गई थी मनीष सिसोदिया ने बोला था शाहीनबाग के साथ खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आज जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल की रोटी खा रहा है तो सबसे ज्यादा शांति अगर किसी एक व्यक्ति को मिल रही होगी तो वीर बलिदानी मोहनचंद शर्मा जी की आत्मा को शांति मिली होगी। दूसरी शांति अगर किसी को मिली होगी तो उत्तराखंड के उस बच्चे को, 22 साल का बेटा दिलबर नेगी, दिलबर नेगी 22 साल का बच्चा दिल्ली के दंगों के दौरान उन्मादी भीड़ ने दिलबर नेगी को घेर लिया। वो छोटा सा बच्चा अपनी छत पे सो रहा था, अपनी दुकान की छत पे। मैं उसके परिवार से मिलके आया हूं उत्तराखंड जाके, आज भी उसके घर जाने में भाई साहब आज भी गाड़ी छोड़ के 3 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है आज भी पहाड़ों में। ऐसी जगह से आया वो बच्चा, दिल्ली में नौकरी कर रहा था एक हलवाई की दुकान पे, 8-10 हजार रुपए मुश्किल से कमाता होगा। उसको घेर के पहले उसका धर्म चेक किया, फिर उसके हाथ काटे, फिर उसका पैर काटा, फिर उसको जिंदा, तब तक वो तड़प रहा था, जिंदा जलती हुई आग में फेंक दिया। वो दिलबर नेगी किस क्यों मारा गया? क्योंकि ये दिल्ली की इस पापी सरकार शाहीनबाग के साथ खड़ी थी। और ये मनीष सिसोदिया बोल रहा था मैं शाहीनबाग के साथ खड़ा हूं। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा 24 साल का नौजवान उन्हीं दंगों में ताहिर हुसैन के घर के अंदर उसको ले जाके मारा गया, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन। और ये मनीष सिसोदिया बोल रहा था मैं शाहीनबाग के साथ खड़ा हूं। दिनेश खटीक, विनोद कश्यप, ऐसे न जाने कितने नाम है जिनको अपने प्राणों प्राण जिनके ले लिए गए उन दंगों में। और ये मनीष सिसोदिया बोल रहा था मैं शाहीनबाग के साथ खड़ा हूं। उसका ये पाप है जो इन हत्याओं के दंगों के पीछे खड़े हुए उस बेशर्मी का ये पाप है, उन माओं की ये हाय लगी है जिसके कारण आज ये तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहा है। और इसका इसका जो बॉस है ये भी उसी तिहाड़ जेल के अंदर जाएगा। आज ताहिर हुसैन कहां है?